घटना जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। इस वक्त की बड़ी खबर राजगढ़ जिले के सुठालिया नगर से, जहां करीब 25 किलोमीटर दूर ग्राम कड़िया गुर्जर में शनिवार सुबह एक साल से फरार चल रहे वारंटी को पकड़ने गए चार पुलिस कर्मियों पर करीब 20-25 ग्रामीणों ने लट फरसी सहित अन्य हथियारों से हमला बोल दिया और घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। तो वहीं घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, एसडीओपी एनके नाहर सहित बड़ी तादाद में पुलिस बल पहुंचा, जब तक आरोपी मौके से भाग चुके थे। आपको बता दें कि आरोपी रामेश्वर गुर्जर लूट के मामले में करीब एक साल से फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार करने शनिवार सुबह सब इंस्पेक्टर संदीप मीणा, आरक्षक राजमल सूरज, आरक्षक रमेश आदि गिरफ्तार करने गए थे। सूचना पर उक्त पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ा तो वो मौजूद ग्रामीण इकट्ठे हो गए और करीब 20-25 लोगों ने मिलकर पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इसमें चारों को चोटें आई हैं। इस मामले में पुलिस ने 27 लोगों के खिलाफ नामजद और 10 अन्य लोगों को आरोपी बनाया। रामेश्वर गुर्जर को संबंधित जानकारी मिली कि वो घर के पास देखा गया है और यहाँ की पुलिस पार्टी वहाँ तलाश करने गई सब इंस्पेक्टर मीना के निर्देशन में। तो जैसे ही उसको पकड़ कर लाने लगे तो करीब 20-25 लोग गांव के गुर्जर समाज के पुलिस पार्टी पर पथराव किया और लाठी बल्लम खर्चा तलवार लेकर आए और उसको बलपूर्वक छुड़ा कर ले गए। इस पर से फिर 353, 332, 294, 506 और बलवा की धाराएं का अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपियों की तलाश की। आरोपी सब घर से भाग गए हैं, पार्टियां भेजी हैं दबिश देने और जैसे ही गिरफ्तार होते बताया जा रहा है। हमले में कोई सब पुलिसकर्मी घायल तो नहीं हुए? हाँ, चार लोगों को चोटें आई हैं, पत्थर की और लाठी की और फर्ची की, उनको मेडिकल कराया गया। एक तो रामेश्वर मीणा है और एक ESI है, दो आरक्षक। चलो इसमें नहीं, कुछ दो आदमी सिविल में थे ताकि उनको शक नहीं हो और बाकी लोग ड्रेस में थे। नहीं नहीं, दो लोग सिविल में थे, बाकी चार लोग और गए थे, ऐसे छह लोग गए थे। तो घटना आज कब की है सर? ये करीब 12 बजे की घटना है। कितने लोगों को? ये 22 लोग तो नामजद हैं, बाकी 10-12 अन्य हैं। 30-35 लोग रामेश्वर के, सभी गुर्जर समाज के, रामेश्वर के परिवार के लोग हैं, कुछ गुर्जर समाज के गाँव के लोग हैं। सुठालिया से कामेश नामदेव की रिपोर्ट, समय जगत। प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय।